सहरसा जिले के नगर परिषद क्षेत्र में सभी 40 वार्डों में एलईडी लाइट बिजली के पोल पर लगनी थी, लेकिन बीते एक साल के अंदर केवल गिनती भर ही एलईडी व स्ट्रीट लाइट लग पाई है। ऐसे में कुहासे से भरे मौसम और अंधेरे में डूबे शहर के विभिन्न वार्डों में आए दिन चोरी, छिनताई और लूट की घटना सामने आ रही है। वहीं नगर परिषद सहित जिला प्रशासन भी बिजली पोल पर एलईडी लाइट लगवाने में असमर्थ होती नजर आ रही है। इस संबंध में जब नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हेलो हेलो, हाँ बताइए सर। इंद्रदेव नेशन न्यूज से बोल रहे हैं। हाँ सर, बोल रहे थे ये बीर कुमार सिंह चौक से मसगंदा वाली रोड जो जाती है, लगभग 50 पोल होगी जिसमें 4-5 ही जल रही हैं, बाकी सब खराब है। क्यों? लाइट चोरी हो गया है उसका। कुछ जगह लाइट लगी हुई भी है, वहाँ वो भी नहीं जल रही है। उसको तो रिपेयर कराएंगे, लेकिन हम लोग का उस रोड में बहुत सारा लाइट चोरी हो गया है। उसका थाना में दिया भी गया है कुछ नए FIR के लिए, क्योंकि हम लोग नहीं लगाते हैं, ESL लगाता है। तो ESL का कहना है कि जब तक उसका FIR लॉज नहीं होगा उसको हम लोग आगे से नहीं लगाएंगे। सर ऐसी समस्या वार्ड में भी है, जो कि वहाँ के वार्ड, ये वार्ड नंबर 3 की भी है समस्या, जो कि वो वार्ड पार्षद बोलते हैं कि जो नगर परिषद का ये है वो नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? मतलब वो हमको आपूर्ति नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जो है भाई हम लोग नहीं आपूर्ति करते हैं। ये डबल ESL कंपनी है भारत सरकार की, उसका जिम्मा है लगाने का। उनके वार्ड पार्षद को समझ कितना आता है कि वो कहेंगे। बाकी जो है अभी उसके पास लाइट का सप्लाई नहीं आया है। इधर मीटिंग हुआ था, 10-15 दिन में लाइट का सप्लाई आ जाएगा, सारा बिजली का पुल पर लगना है। कब तक सर लग जाएगी? अभी लाइट का कमी है, क्योंकि हम इसमें नहीं बता सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं है उसमें। जी, वो डबल ESL कंपनी है, उसके पास लाइट का कमी हो गया है। तो अब जब तक लाइट नहीं आएगा, कब आएगा उसका, क्योंकि हम लोग का कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ना हम लोग का उससे कोई कंसर्न है। लेकिन हम होप कर रहे हैं कि 10-15 दिन में लाइट आ जाना चाहिए। ठीक है।